कुछ दिनों पहले आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ अ यूपीएससी टॉपर जिन्होंने अपनी स्पीच में यूपीएससी और एमपीएससी के बीच का डिफरेंस हाईलाइट किया था. एमपीएससी इज फॉर सेलेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स फॉर द महाराष्ट्र स्टेट. उन्होंने कहा एमपीएससी विल टेस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ था, सेकेंड कहाँ हुआ था, थर्ड कहाँ हुआ था, कौन जीता था, कहाँ से आए थे. यूपीएससी विल आस्क सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे. सो इन द सिमिलर फैशन हमें ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जेई मेन्स एंड जेई एडवांस इनको बनाने वाले पेपर सेटर्स के माइंडसेट में फ़र्क क्या है. देखिए जेई मेन्स विल टेस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, क्या आपको फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला लगाना है. जेई एडवांस विल टेस्ट कौन सा फार्मूला नहीं लगाना है. सो एडवांस प्लेज अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स एंड इट्स अ वेरी वेल सेइंग के जेई मेन्स इज अ सिलेक्शन एग्जाम, जेई एडवांस इज अ रिजेक्शन एग्जाम. जेई मेन्स प्रिपरेशन का माइंडसेट इज एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. सपोज आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं एंड सॉल्यूशन देखकर आपको लगा कि यार ये क्या कर दिया, तो यू आर फोर्स्ड टू हैव दिस टेंडेंसी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व करना है एंड मूव ऑन. मेन्स रेजोनेट्स विद क्वांटिटी, एडवांस रेजोनेट्स विद क्वालिटी. सो एडवांस का कोई पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं एंड यू रियलाइज सॉल्यूशन देखकर कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा दिया, एट दैट टाइम इसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना है. पूरा क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए कि यार ऐसा ही क्यों किया, यही कॉन्सेप्ट क्यों लगाया. पूरी जी जान लगा दीजिए ये सोचने में कि कोई और मेथड से क्यों नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट मी, ये जो क्रिटिकली एनालाइज करेंगे आप इस चीज़ को, ऑल्दो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के दौरान जो डिफरेंट होराइजन्स की क्लैरिटी आप हासिल करेंगे, ये शायद से और 20 प्रॉब्लम्स को सुपरफिशियली सॉल्व करके ना मिल पाए. सो जिनका मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट सेटिस्फैक्टरीली अच्छा जा चुका है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आई रियली अर्ज यू टू ट्यून योर सेल्फ विद द जेई एडवांस माइंड सेट. छोटी से छोटी चीज़ को क्वेश्चन कीजिए. आस्क इवन द ऑब्वियस थिंग्स, क्वेश्चन इवन द ऑब्वियस थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियस थिंग्स आर नॉट सो ऑब्वियस. जेई एडवांस उस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा जिसको एग्जाम हॉल में देखकर आप खुद को क्वेश्चन करोगे कि इस चीज़ को रूम पे बैठ के मैंने खुद क्वेश्चन क्यों नहीं किया. देयरफॉर इस चीज़ की गंभीरता दर्शाने के लिए, टू हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ दिस एस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ प्रॉब्लम. बट हाँ, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हवा हवा में मत लेना, बिकॉज मेरे IIT बॉम्बे के भी कुछ दोस्त इसमें छुपे एक राज को नहीं पहचान पाए. तो इसको एज अ एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखिए, हाइपोथेटिकली अज्यूम करिए दिस इज अ जेई मेन्स PYQ. तो क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल ऑफ मास m को एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे हम वर्ल कर रहे हैं, साथ ही साथ टेबल में एक छेद है जिसके थ्रू रस्सी नीचे जा रही है एंड हम उस रस्सी को एक कांस्टेंट स्पीड u0 से नीचे की तरफ खींच रहे हैं. तो बेसिकली ये क्या है, एट ए इंस्टेंट लग रहा होगा सर्कुलर मोशन है, बट बेसिकली इट विल स्पायरल इनवर्ड्स, ऐसे 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 स्पायरल कर रहा होगा कुछ. नाउ क्वेश्चन हमें पूछता है कि फाइंड dv/dt एट एनी इंस्टेंट, और जितने सारे ऑप्शन हैं सब टाइम के फंक्शन में हमें निकालना है. तो ऐसा देखते हैं, अगर किसी इंस्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी उसकी वी है, रेडियस उसकी आर है और इनवर्ड्स वेलोसिटी, इनवर्ड्स वाली स्पीड उसकी है यू नॉट, तो आई कैन वेरी इजीली से dr/dt इज इक्वल्स टू -u0. साइमल्टेनियसली हम देखेंगे तो जो टेंशन लग रहा होगा, टेंशन फोर्स इज रेडियल, तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पास थ्रू दिस पॉइंट, दिस होल के थ्रू टेंशन पास हो रहा होगा एंड दैट टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वी. तो इसलिए देखें तो इस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं लग रहा इस पर, तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करा देंगे. सो उन्होंने कहा था t = 0 पे टेंजेंशियल वेलोसिटी v0 थी, रेडियस r0 थी, तो मैं लिख दूंगा m v0 r0 इज इक्वल्स टू m v एट टेंजेंशियल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इनटू रेडियस एट दैट टाइम. तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाती है v = v0 r0/r. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dt, तो हम dv/dt को चेन रूल के थ्रू लिख देंगे dv/dr (dr/dt). अब dv/dr को मैं इधर से डिफ्रेंशिएट करके, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके लिख सकता हूँ -v0 r0/r² (dr/dt). तो dr/dt मैंने ऑलरेडी लिख दिया था -u0 है,
क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में हमेशा इनवर्ट स्पीड हो रही है यू नॉट, तो वो उस रेडियस को घटाएगी। इसको अपन लिख देंगे माइनस यू नॉट। अब मुझे ये भी पता है डी आर बाई डी टी इज माइनस यू नॉट। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस यू नॉट डी टी का इंटीग्रेशन। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे रेडियस थी मेरी आर नॉट, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आर टी, तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस यू नॉट टी। इसको यहाँ डाल देंगे हम तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस यू नॉट टी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? माइनस माइनस कट वी नॉट आर नॉट यू नॉट ओवर आर नॉट माइनस यू नॉट टी स्क्वायर, ऑप्शन डी। बट मेन्स माइंडसेट आपको क्या कहेगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऑप्शन मैच कर गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट एडवांस पर्सपेक्टिव क्या कहता है? इतना इजीली रैपिडली हमें आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा क्रिटिकली डीप थिंकिंग के साथ सोचिए कि कुछ तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ हो रहा है, एक दिक्कत होने वाली है। हम देखेंगे तो पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टेंशन लग रहा है ऐसे और टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी ऐसे। हमने खुद निकाला डीवी बाई डीटी की वैल्यू, डीवी बाई डीटी की वैल्यू हमारी ये आई विच इज डेफिनेटली नॉन जीरो। बट इस डायरेक्शन में देखोगे तो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं, ओनली फोर्सेज एक्टिंग इन द सिनेरियो क्या है, टेंशन ही लग रहा है, फ्रिक्शनलेस बोल दिया है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं लग रहा है इस पर। तो आप देखोगे इस V को चेंज कर कौन रहा है, तो अगर मुझे इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखना है इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन तो मैं क्या लिखूंगा? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। मुझे पता है मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल क्या हो गया, डीवी बाई डीटी। डीवी बाई डी टी की वैल्यू मैंने ऑप्शन डी से निकाली है वहां पे, तो राइट हैंड साइड तो मेरी है नॉन जीरो बट लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है ही नहीं। तो ये है मेंस वर्सेस एडवांस के माइंडसेट का फर्क। क्रिटिकली इसको एनालाइज कीजिए, प्रोबेबली आई विल कम अप इन नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज एक्सप्लेनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे। बट तब तक के लिए सोचिए क्या दिक्कत है इस चीज में और इस हिसाब से आप अपने माइंडसेट को ट्यून कीजिए क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। So meet you guys in the next video. Sochiye what's the difficulty here. Thank you very much guys. Hi. Hello. मैं देख रही थी तुम्हारी physics तो बड़ी अच्छी है। Well काफी अच्छा explain करते हो। Thank you. अच्छा सुनो, जे के time से एक सवाल था मेरे मन में, coaching वाले से समझने की कोशिश करी but वो visualization नहीं हुआ, तो मैं explain कर सकती हूँ? कौन सा problem? Physics का है? हाँ हाँ पूछो कुछ भी। याद है जी एडवांस का 2016 रोलिंग डिस्क काफी अरसा हो गया उसे सॉल्व किए, बट चलो जितना याद है ट्राई कर सकते हैं। देखो तो प्रॉब्लम ने क्या कहा था, मास m की डिस्क है, 4m की डिस्क है, इसका रेडियस से ऐसे सॉल्यूशन तो मैंने देखे थे नेट पे बट वो विजुअलाइजेशन वाली फील नहीं आई थी। विजुअलाइजेशन की फील चाहिए तो फिर उसका तो एक ही माध्यम है। विजुअलाइजेशन अगर तुम्हें फिजिक्स में चाहिए तो हम सर्च करते हैं जेई एडवांस्ड 2016 रोलिंग डिस्क विजुअलाइजेशन, विजुअल फिजिक्स। विजुअल क्लैरिटी के बिना फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मुश्किल है। इनके इस वीडियो में इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि ये बॉडी खुद के अबाउट रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो एक नेट ओमेगा वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, एंड ऑल्सो ये सिस्टम पूरी जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रही है तो एक नेगेटिव जेड में कंपोनेंट भी आएगा। इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इस चीज को। इसके विजुअल्स तो बहुत सही हैं। यार आईडी आ गए बट अब जाकर इसकी अच्छी फील आई है। और थैंक्स टू विजुअल फिजिक्स। सिर्फ विजुअल फिजिक्स को थैंक यू। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी थैंक्स विजुअल फिजिक्स के बारे में बताने के लिए। इनके चैनल पे इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने विजुअलाइजेशन बना रखे हैं। जैसे अगर तुम देखोगी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बनाया है उन्होंने, मैग्नेटिक्स पे बनाया है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, SHM,
और ये रिलेटिव मोशन, ये वाले प्रॉब्लम्स याद है तुम्हें, जब दो एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं और ये बनता है? इसकी हमें तब फील नहीं मिलती है, पर अगर हम ऐसे देखें तो बहुत इजीली हमें मिल सकता है अंडरस्टैंडिंग। यार काश तो मेरे सीनियर होते, जेई के टाइम पे बहुत हेल्प मिलती। तो जो जेई टाइम में अभी है उनके लिए 11th का टॉपिक कंस्टेंट मोशन, इसकी फील लिए बिना आगे गए हो, मतलब बिना तगड़े फाउंडेशन की ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हो। 5x = 4x prime, एक बार इसकी विजुअल क्लैरिटी मिल गई तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। रोलिंग मोशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है, किताबों में लिखा है, लोगों ने कहा है, बट फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। जब तक फील नहीं मिलती तब तक कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वेस्टेड टाइम एंड एफर्ट लगता है। To solve this, IIT Delhi and IIT KGP के alumni have built this platform of visual physics. यहाँ सिर्फ equation से concept नहीं समझाए जाते, visualization से concept की दिल दिलवाई जाती।